यहाँ पे पहले कभी हाँ कभी ना का सीन हो गया है, क्या चल रहा है चकोर के मन में? चकोर सूरज से प्यार करती है पर वो सूरज से शादी नहीं कर सकती क्योंकि कमलनाथ ने उसे फंसा दिया है. तो ये सिचुएशन ऐसी सी है. जब हैरी और सेजल आते हैं वो उन दोनों को मिलवाते हैं. हैरी थोड़ा समझाता है चकोर को और सेजल सूरज को समझाती है और वो मान जाती है. बट फिर अल्टीमेटली कमल नारायण वापस आके उसको याद दिलाता है कि बच्चे अभी भी दिल्ली में और मजदूरी कर रहे हैं. तो चकोर वापस डिसाइड करती कि नहीं शादी नहीं करेंगे और चली जाती है. विवान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सब कुछ ठीक करने में. हाँ, कमल नारायण का जो प्लान है उसके बारे में मुझे पता लग गया है कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं. जो बच्चे जिन्हें बोला था कि कुछ स्पोर्ट्स के लिए जाएंगे बट उन्हें किडनैप करके रखा हुआ है और अगर ये सूरज के साथ शादी कर लेती है तो उन्हें मार दिया जाएगा और इसी वजह से चकोर मना कर रही है. और ये सारी चीज़ें मैंने सूरज को आपकी बताई हैं कि वो ऐसा जानबूझ के नहीं कर रही, उसकी मजबूरी है. बट हमें पहले बच्चों को बचाना होगा और उसके बाद फिर हम कमल नारायण का कुछ कर सकते हैं. मैं विवान को थैंक यू कहूँगी इसके लिए. कहना ही चाहिए. आगे पता नहीं क्या होगा लेकिन अभी बच्चों को बचाने के लिए मैं यहाँ से निकला हूँ और सूरज यहाँ की सिचुएशन संभालेगा और उसके बाद बच्चे वापस आएंगे और फिर तो आपको अगले दिन वापस आना है. फिर देखना पड़ेगा कि क्या होगा. यस, कल जो शूट करेंगे कल बताएंगे.